वेलकम टू माय चैनल किचन विद परवीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी गोभी की ड्राई रेसिपी। मेरे रेसिपी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ड्राई मेथी गोभी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए, साथ में जीरा राई और हरी मिर्च का छौंक लगा देना है। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम पिंक होने तक भून लेंगे, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। 1 से 2 मिनट तक प्याज भून लेंगे। अभी प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन की कच्चा महक जाने तक थोड़ी देर के लिए इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटो। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टमाटो को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर हम इसमें डाल देंगे आलू और गोभी। आलू गोभी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। गैस का फ्लेम लो रखना है। अभी मसाला नहीं डालना है, पहले हम इसे थोड़ी सी भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ मसाला। अभी इसका कलर चेंज हो गया है तो अभी हम इसमें मसाला डालेंगे। गोभी आलू को थोड़ा छोटे पीसेस में कट कर लेना है ताकि जल्दी पक जाए। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छे आते हैं, इसीलिए मैंने कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हो। और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते रहना है। 2 से 3 बार हम इसे भून लेंगे कवर करके। ये बहुत ही अच्छे से भून गया है, इसे कवर करके भूनना है और बीच बीच में इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है, फिर जल्दी से पक जाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मेथी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गोभी आलू के साथ इसे भी भून लेना है। मेथी आलू गोभी अच्छे से भून गया है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में इसे पका लेंगे। 5 मिनट हो गया है, आलू गोभी बहुत ही अच्छे से पक गया है। मज़ेदार सा मेथी गोभी की ड्राई सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी चावल या पराठे के साथ खा सकते हैं। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बहुत ही आसान रेसिपी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।